हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं रितु राजीव वीजा कंसल्टेंसी से अनु मैम के साथ, और अभी अर्जेंट में हम आपके सबके सामने आए हैं। वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं था, बट खुशखबरी इतनी बड़ी थी कि सब पूछ रहे थे कि जो आप सबमिशन करवा रहे हो उनका रिजल्ट, उनकी सक्सेस जो स्टोरीज है वो कब दिखाओगे। तो आप में भी समझ गए होंगे, अभी मैंने भी आप समझ गए होंगे कि मैंने अनबॉक्सिंग करने के लिए ही आपके सामने रखा है, और स्पेशली इसी को क्यों रखा है। वैसे वीजा बहुत आए हैं, अभी पीछे भी अपने स्लोवाकिया के और इसके क्रोशिया के आए थे, तब हमने अनबॉक्सिंग नहीं की थी क्योंकि कुछ डील हमारी B2B होती है तो हम उनको ओपन नहीं कर सकते। बट स्पेशली इसको हम ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने याद हो तो आपको एक चीज बताई थी कि स्किल जॉब जो होती है वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और स्किल जॉब में मैंने मेरी पिछली वीडियो में जैसा कि मैम ने भी बोला था कि 101% वीजा आते हैं, आज हम उस रिजल्ट को सामने दिखाना चाहते हैं कि स्किल जॉब में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीजा आपका 101% श्योर आएगा ही आएगा। बस आपको पेशेंस बना के रखना है। बिल्कुल पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि क्रोशिया टाइम ले रहा है, और क्रोशिया के जो भी रिजल्ट चल रहे हैं वो बहुत नेगेटिव चल रहे हैं, रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, और कुछ कंपनीज के टैक्सेस वगैरह की वजह से रिफ्यूजल आ रहे हैं। और हमारे पीछे जैसे 3 आए भी थे, हमने बताए भी थे हमारे चाहे रिफ्यूजल आ रहे हैं, हमारे वीजा आ रहे हैं, हम सब आपके सामने ओपनली रखते हैं, और शायद इसीलिए लोगों का ट्रस्ट इतना बना हुआ है हमारे अंदर। और अब शायद आप और वेट नहीं कर सकते, तो इसको मैं अनबॉक्सिंग करूंगी बिल्कुल। और सबसे पहले मैं मेरी क्लाइंट को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी, जो इतना पेशेंस रखा उन्होंने, बट उनके अंदर टैलेंट था इतना कि उन्होंने स्किल जॉब में एंट्री ली और आज वीजा आपके सामने है। और ये देखिए, अभी जस्ट सोनू सर लेके आए हैं और हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। और ये स्किल जॉब वालों की मेहनत है, स्किल जॉब के वीजा है ये, जिन्होंने तंबाकू फैक्ट्री है उसके अंदर एज अ मैनेजर हायरिंग करवाई है अपनी, उन बंदे हैं उनका ये आज वीजा रिसीव हुआ है, और वो भी एज ए मैनेजर, जो व्हाइट कलर में मोस्टली बोलते हैं कि लेबर जॉब में जाएंगे, लेबर जॉब में जाएंगे। तो जरूरी नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। जैसा कि हमने ओपन कर लिया, इनका एक पासपोर्ट और था जो इसके साथ अटैच है, और अभी हम आपको दिखाएंगे एक एक, एक मिनट। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। एंड सबमिशन इनका कोलकाता में हुआ था और 2 नवंबर को हुआ था। सोनू सर हमारे साथ थे, शायद आपने देखा होगा, आप पूछते थे कि इमोजी क्यों लगवाते हो। तो गाइस, आपको मैं आज पहली बार यूट्यूब पे सामने आया हूँ, ज्यादा मैं सामने आता नहीं हूँ, जब कोई वीजा सक्सेस होता है तभी सबके सामने आता हूँ। और ये अशोक जी को बहुत 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 ज्यादा बधाई हो, और इन्होंने बहुत सब्र किया है, क्योंकि मुझे जितना याद है जो इनका सबमिशन हुआ था वो नवंबर 2 को हुआ है, और नवंबर 2 के बाद काफी टाइम एम्बेसी ने लिया है, या मेरे हिसाब से 145 दिन तो हो गए ना मैम। तो इतना टाइम होने के बाद वीजा आता है तो उसकी तो खुशी पता ही नहीं कहाँ होती है। अभी तो हमने अपने क्लाइंट को भी नहीं बताया है, बस ये ठीक है, अभी हम इसी वीडियो के बाद भी क्लाइंट को सरप्राइज करने वाले हैं, फोन कॉल करने वाले हैं। तो मैम, हमने उनको बताया भी नहीं है, बताया भी नहीं है, तो ये वीडियो से ही उन्हें पता चलेगा, और हमारा भी कॉल जाने वाला है उनको इसी वीडियो के बाद। मैम आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। और सोनू सर पहली बार आपके सामने यूट्यूब के ऊपर आए हैं, और ये जो हमारे सबमिशन हुए थे उनमें स्पेशली सोनू सर और मैं कोलकाता गए थे, देखा होगा शायद आपने, वो आपको पिक्चर भी मैम साथ के साथ वीडियोस के साथ दिखाएंगे। और अभी मैं मेरे जो क्लाइंट है अशोक जी, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। बिल्कुल मैम की साइड से भी बोलिए मैम। बिल्कुल मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी, वर्ड कम पड़ रहे हैं आज तुसी जाए रही होने के लिए। और ये स्पेशली अनबॉक्सिंग करके रीजन ही था मेरा ये कि स्किल जॉब में जो मैंने चीजें वर्डिंग बोली थी, आज उन वर्डिंग के ऊपर हमारा ये रिजल्ट है आपके सामने। और अभी भी 2-3 हमारे स्किल जॉब के सबमिशन चल रहे हैं। मैंने कहा था कि आपको स्किल बंदे हमें बहुत बहुत रेयर मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, तो उसके लिए हमारी इनफैक्ट वैकेंसीज खाली पड़ी रहती है। अभी भी हमारी बहुत सारी, हाँ काफी सारी वैकेंसीज खाली रह गई थी मैम। बार बार आपको अपडेट करते हैं कि अगर स्किल जॉब में अगर आपके पास कोई भी स्किल है आपके पास, तो आप अप्लाई कीजिए। बट वो मिलते ही नहीं है बंदे। अगर आप क्रोशिया में जाना चाहते हो, 101% वीजा चाहते हो, तो स्किल जॉब में अप्लाई कीजिए,
ये आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लाइफ में। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, नहीं है तो भी आप सीख लीजिए उस चीज को, क्योंकि इनके जो कंपनीज होती है स्किल जॉब की, उनकी एक हाई रेपुटेशन होती है, उनके जो पुलिस वेरिफिकेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, उनके सारे टैक्स क्लियर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि टैक्स वगैरह का कोई इशू आता है। इवन करंटली तो एम्प्लॉयर इंटरव्यू भी बहुत लाइट ले रहे हैं। बिल्कुल, अभी उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है तो भी चलेगी। अशोक जी के टाइम पे तो 2 rounds ऑफ इंटरव्यूज हुए थे, उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ था, बट अभी बिल्कुल थोड़ा इजी कर दिया इस चीज को। तो इस जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कीजिए, कोशिश कीजिए स्किल में आने की। और एक लास्ट में अभी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, गार्बेज बैग कलेक्टर का, जो कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी मैं कहूंगी कि सिर्फ एक वेस्ट मैनेजमेंट का सोच के या गार्बेज का, कूड़ा करकट हमें ऐसे वहां पे प्रॉपर हाइजेनिक तरीके से चीजें होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ पे साइड में, इनफैक्ट इधर भी अपने सुधर गया है काफी ज्यादा। म्यूनिसिपल जो कमेटी वगैरह होती है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करके इन चीजों को चलती है, तो वो भी एक जॉब है, अच्छी जॉब है। उसमें ये मत सोचिए कि अच्छी हमें, हम क्यों कहीं का गार्बेज उठाएं, वो भी एक ये कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, तो ऐसे भी उनकी कंट्रीज के भी कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो भी एक नीट एंड क्लीन जाते हैं, तो वो भी एक जॉब होती है जिसके अंदर वो गवर्नमेंट का जो हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसमें आप चूके मत जाने से, उसमें जाइए, क्योंकि उसका जो सबमिशन है लगभग मई के आसपास होगा, आपका मई जून में लगभग फाइनल है कि उनका सबमिशन हो जाएगा। ऑफर लेटर वगैरह रिलीज नहीं करते वो, डायरेक्ट आपको ऑफर लेटर और परमिट साथ में ही आएगा। और मैम आज कम बोल रहे हैं, शायद कुछ ज्यादा है, मैं ही सारा कंटिन्यू कर रही हूँ, कुछ तो कंट्रोल नहीं हो रही है मैम, ज्यादा वर्डिंग के बारे में एक बार डिटेल बता दीजिए कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत वैल्यूएबल है अगर आप इसमें अप्लाई करते हो। बिल्कुल मैम, क्योंकि इसके अंदर सैलरी भी काफी अच्छी है, फूड एंड अकोमोडेशन भी इसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इसमें जरूर इनरोल कीजिए। और स्किल्ड कैटेगरी में भी प्लीज आपको मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। स्पेशली जो स्किल जॉब है वो, और ये जो गार्बेज का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 101% वीजा आएगा, अभी भी बोल रही हूँ, जिसकी भी पीसीसी रेडी है वो चाहे स्किल में अप्लाई कीजिए या गार्बेज में। गार्बेज में सीधी सिलेक्शन है और स्किल जॉब में आपका इंटरव्यू होगा, बेसिक इंटरव्यू होगा, बहुत ही नॉर्मल होता है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू के नाम पे ही घबरा जाते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बहुत ही बेसिक है, इंट्रोडक्शन पूछ लिया, 2-4 चीजें आपके काम के रिलेटेड पूछ लिया, दैट्स इट, इतना ही इंटरव्यू होता है। बिल्कुल, तो इस चीज को, इस प्रोजेक्ट को मत छोड़िए। और रही बात अगर आप सोचते हो कि गार्बेज में आप 6-7 महीने टीआरसी वगैरह लेने के बाद अगर आपको चेंज करनी हो तो हम जो जॉब चेंज करवाएंगे, बिल्कुल बाकी आप जाके देख सकते हो, वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं है कि इस जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। इनफैक्ट डिलीवरी में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बजाने के बाद तो चेंज करने के लिए बोलेंगे ही नहीं, अभी लग रहा है वो थॉट प्रोसेस की वजह से लगता है। क्योंकि मैं खुद शॉक हूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए बंदे क्यों नहीं आ रहे हैं, बहुत कम, हमारी मुश्किल से 5-7 फाइलें ही इसमें अप्लाई किया है जिन्होंने, तो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कीजिए। अभी आपको इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब हम आपके सामने मई जून में सबमिशन करवा के आपके सामने थोड़े टाइम बाद रिजल्ट आगे रखेंगे, क्योंकि इनका वीजा जल्दी आता है। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इनकी वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ जल्दी होती है, स्किल में ये थोड़ा डिले हुआ है, मानती हूँ मैं, बिल्कुल पेशेंस रखा है, और बट उसके लिए हम देखो कुछ नहीं कर सकते, एम्बेसी के हाथ में होता है वो, हमारे हाथ में होता है प्रोसेस को कंटिन्यू करना। और अभी भी मेरे बहुत सारे जो क्रोशिया के क्लाइंट्स हैं जो अभी वेट कर रहे हैं परमिट के लिए, और वो भी डिलीवरी में है, शिद्दत से वेट कर रहे हैं, और तो प्लीज पेशेंस बनाए रखे, अशोक जी ने भी काफी पेशेंस बनाए रखा था, और आज रिजल्ट उनके सामने, हमेशा हमने उनको यही बोला था कि प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखे सर, आपको रिजल्ट हम देंगे, और हमने दिया है। बिल्कुल मैम, तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे, एक बार फिर से आपको हम वीजा दिखा देते हैं अशोक कुमार का, आप देख सकते हैं मैम, बिल्कुल कंग्रेचुलेशन आप तो भी वीजा टीम को, और अभी जस्ट हम उनको गुड न्यूज देंगे, तो अभी के लिए अलविदा आप सभी से, फिर मिलते हैं, और कनेक्टेड रहिए, और जो मैंने बोला है उस चीज को प्लीज थोड़ा सा कंसर्न कीजिए, ध्यान से सुनिए कि क्यों बोला है, किसी पर्पज की वजह से ही हम सामने आते हैं, आपको बताते हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन एंड थैंक यू सो मच।